हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनघा आर्ट्स। आज हम ये अस्टर के फूल की रंगोली बनाएंगे। उसके लिए हमने वाइट कलर की रंगोली से इस तरह फूल का आकार बना लिया है। थोड़े लंबे लंबे शेप की पंखुड़ियाँ हमने बना लेनी है। ये आगे के साइड की, ऊपर के साइड की पंखुड़ियाँ हो गई हमारी। उसके बीच में भी हमने छोटी छोटी पंखुड़ियाँ बना ली इस तरह से। अब ये रेड कलर, 3 पार्ट रेड और 1 पार्ट ब्लैक लेके थोड़ा सा डार्क शेड हम बना के इस बीच वाली पंखुड़ियों में भरते जाएंगे। जो ऊपर की साइड की पंखुड़ियाँ है उसमें नहीं, जो छोटी छोटी बीच वाली पंखुड़ियाँ है उसमें हमने डार्क शेड भर दिया है इस तरह से। मतलब हम ये थोड़े नीचे की साइड की पंखुड़ियाँ बताएंगे फूल की, इसलिए हमने ये डार्क शेड भर दिया। पंखुड़ियों में हम सिर्फ आधे पार्ट में ये डार्क शेड भरेंगे, बाकी के पार्ट में रेड कलर भरेंगे। और जो एक्स्ट्रा का रंगोली गिरता है साइड से, वो हमने इस तरह से हाथ से या तो ईयरबड की मदद से साफ कर लेना है। अब ऊपर की पंखुड़ियों में हम ये रेड कलर भर देंगे। आगे की साइड की जो पंखुड़ियां है उसमें हमने रेड कलर से थोड़ा बॉर्डर करके रेड कलर भर दिया है। अब हम एक छोटी साइज की छलनी लेंगे, उसके मदद से रेड कलर थोड़ा यूनिफॉर्म भर लेंगे। हाथ से थोड़ी जगह कुछ छूट जाती है जहाँ पे हम इसके मदद से भर सकते हैं, रेड कलर भर देंगे। सेंटर का पार्ट हमने छोड़ दिया है, वहाँ पे हम एक डार्क वाला शेड भरना है। अब हमने यहाँ पे 3 पार्ट रेड और 1 पार्ट व्हाइट कलर लेके एक लाइट सा शेड बनाया है। और जो पंखुड़ियों में हमने रेड कलर भरा था उसके ऊपर की साइड से इस तरह से एक बारीक सा बॉर्डर हम लाइट शेड से बना लेंगे। यहाँ पे साइड से जो भी एक्स्ट्रा कलर गिरता है हमारा रंगोली का, वो हमें बीच बीच में साफ करते रहना है। आप यहाँ पे कपड़े की मदद से भी वो कलर साफ कर सकते हैं। अब हमने जो डार्क पंखुड़ियों में थोड़ा साइड से जगह छोड़ा था वहां पे रेड कलर भर लिया है। जो पंखुड़ियों को हमें थोड़ा डेप्थ दिखाना है वहाँ पे कुछ नीचे के साइड से हम इस तरह से ब्लैक कलर भर लेंगे। एक बारीक सा बॉर्डर ब्लैक कलर का कुछ कुछ पंखुड़ियों को हम बना लेंगे। अब हमने सेंटर में ब्लैक कलर भर लिया है और उसके ऊपर ये लाइट वाला येलो शेड हमने डाल दिया है। अब डार्क वाला येलो शेड लेके हम यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट बना लेंगे सेंटर के पार्ट में। अब ये फूल का सेंटर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। फूल के नीचे के साइड में हमने फिर से थोड़ा ब्लैक शेड डाल दिया है। और जो लाइट वाली बॉर्डर हमने रेड कलर की पंखुड़ियों को बनाई थी उसके साइड में हमने और बारीक सा थोड़ा व्हाइट कलर का बॉर्डर बना लिया है कुछ कुछ जगह पे इस तरह से। हमारा फूल का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम पत्तों का डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे डार्क वाला ग्रीन कलर लिया है, उसके साइड में हमने 1 पार्ट ग्रीन और 1 पार्ट ब्लैक लेके डार्क शेड भर दिया है। और जहाँ पे डार्क शेड भरा है उसके साइड में हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉर्डर बना लिया है इस तरह से। और हम उसको साफ कर लेंगे हाथ से। ये स्टीम का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब पत्तों के लिए हमने यहाँ पे पत्तों के सेंटर के पार्ट में इस तरह से डार्क वाला ग्रीन कलर भर लिया है। उसके साइड में हमने 2 पार्ट ग्रीन और 1 पार्ट ब्लैक लेके थोड़ा डार्कर शेड भर दिया है। ये डार्क वाले शेड के पास में और थोड़ा डार्क शेड हम भरेंगे। उसके लिए हमने 1 पार्ट ग्रीन और 1 पार्ट ब्लैक कलर लिया है। और जहाँ से पत्ते शुरू होते हैं वहाँ पे हमने थोड़ा डेप्थ दिखाना है, इसके लिए वहाँ पे हमने ब्लैक कलर भर लिया है पंखुड़ियों के पास पास में। और इस तरह उंगलियों की मदद से हमने एक जिगजैग वे में लाइन बना के पत्तों का डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है।
अब हमने यहाँ पे एक पार्ट ग्रीन और एक पार्ट वाइट लेके थोड़ा लाइट शेड बना के पत्तों के बीच से इस तरह से लाइन बना लेंगे। सेम तरीके से दूसरे पत्ते में भी बना लेंगे। यहाँ पे हमारा ये फूल का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, हमारे एक फ्रेंड ने अस्टर के फूल की रंगोली के लिए कहा था, तो हमने ये रंगोली बना दी है। और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।